अपने ताकत से चलते हैं, अपने ताकत से लड़ाई लड़ते हैं। राशन दे के क्या कर रहा है? राशन इधर से दे रहा है, इधर से गर्दन काट रहा है, इधर से खून चूस रहा है। देश की सेवा कितनी करी है कोरोना काल में देख ली भैया, हम उनपे जो है एक दवाई की टिकिया पैदा नहीं हुई। फंस गए आप, फंस गए, फंस गए, फंस गए। खाने के लिए मोदी काम किया है, इधर देता है और उधर से वसूल लेता है। आज तक ले किसी ने किया है बंटवारा हिंदू मुस्लिम में? कोई भी घटना होता है मुसलमान किया, हिंदू नहीं किया है। कि हम देश के अंदर मोदी जी की सरकार फिर से बनाओ, हम देश के अंदर गरीबों को नहीं रहने देंगे। राम मंदिर के पीछे इतनी सारी यहाँ पे सारे के सारे घर ध्वस्त कर दिए गए, इतने मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। अयोध्या जाके आप रिपोर्टिंग करिए कितने लोग बेघर हो गए हैं, वो भी जाके समझिए। और वहाँ जो दुकानें अलॉट हुई हैं कितने पूंजीपतियों को हुई हैं, जो होटल बने हैं वो कितने गरीब लोगों ने बनाए हैं, जो वहाँ पे बिजनेस करेंगे कितने अडानी अंबानी के होटल हैं। कुछ होता है आजकल 5 किलो राशन में? हमें बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। आप ये बता दो किस पार्टी से हो? वो नीतीश तो पलटू राम है, वो बेकार की बात करता है, बेकार की बात। तो प्रधानमंत्री जी का जो बयान था वो आप देखो कितना गैर जिम्मेदाराना, कि क्या सबको बराबर कर दे। मोदी जी बौखला गए हैं इसलिए वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और शुरू से ही गलत बयानबाजी करते आ रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई बयान जनता को ठीक दिया नहीं, जनता ने उनकी झूठों में गिनती गिन ली है। और बताइए, मैं ये कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ उस पर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? जो लीगल बनता होगा कांग्रेस पार्टी जरूर एक्शन करेगी, कांग्रेस पार्टी किसी की समर्थक नहीं है। मणिपुर को लेके, महिला पहलवानों को लेके आप लोगों ने लगातार हमला बोला है, लेकिन स्वाति मालीवाल के मन पे क्या समझौता हो गया तो महिलाओं का मुद्दा नहीं उठाएंगे? देखिए एक चीज है, समझौता अपनी जगह है और वो अपनी जगह, और उसमें प्रोसेस कर रहा है, पुलिस आगे बढ़ रही है। जैसे ही उसमें सारी चीजें कंप्लीट होंगी जरूर एक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। कोई भी गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी का हो। गलत करने की परमिशन हमारी पार्टी किसी को नहीं देती। इस बार भी भाजपा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है दिल्ली की सातों सीटें जीतने जा रहे हैं। देखो सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी देखता है मैं करोड़पति बन जाऊं तो क्या बन जाता है। सपने देखना बुरी बात नहीं है, अच्छा है देख रहे हैं तो। लेकिन एक चीज देखो, गलियों से झंडे तक हटवा रहे हैं तो वो 7 सीट ला रहे हैं, झंडे भी चोरी हो रहे हैं, कांग्रेस के झंडे हटा दिए जाते हैं, कांग्रेस के झंडे हटा दिए जा रहे हैं, बिल्कुल झंडे हटा दिए जा रहे हैं। रात में दिन में लगाते हैं, रात में झंडे गायब है वहां से, किसको जरूरत पड़ी है उसकी, आप बताइए। मैम आप क्या कहोगी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे? पहले मैं स्वाति माल के मुद्दे पे यही कहूंगी कि देखिए हमारी सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पता नहीं है, हम लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन समय आने दीजिए, आपके सामने सारी बात स्पष्ट हो जाएगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। एक बात और, जो कि मोदी जी ने कहा था अपने राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में कहा था, आप एज ए फीमेल हैं तो उनसे कह रहा हूँ कि उन्होंने कांग्रेस जब की सरकार अगर आ जाती है तो महिलाओं से मंगलसूत्र छीन लेगी, आप महिलाएं क्या कहेंगी? कांग्रेस ने आज तक किसी का मंगलसूत्र छीना नहीं, मंगलसूत्र बनवाए हैं कांग्रेस ने, गांधी जी ने मोदी जी के हाथ में सोना कहां जा रहा है? आज क्या कोई मंगलसूत्र बनवा पा रहा है? आप ये देखो, क्या मंगलसूत्र बनवा पा रहा है? ये तो मोदी जी ने पहले ही छीनने का काम कर दिया है, वो नाम हमारा ले रहा है। मोहब्बत दिया था उतना मोदी जी नहीं दिए है, मोदी जी छटका दिया, हिंदू मोहब्बत कर रहा है थी देख करके, रे दुश्मन मंगलसूत्र उड़ा लिए, नकाब करे एथी करवा दिए, हर एक तरह से मोदी जी एथी कर बर्बाद कर दिए। मोदी जी तो कहते हैं कि देश की जो जनता है, जो आप लोग हैं, सारी जनता सब उनको बहुत प्यार करती है और फिर से सरकार बनवाएगी। नहीं प्यार नहीं, कोई नहीं प्यार करता है, किसी के मुंह से नहीं है, छोटा बच्चा के मुंह से भी नहीं निकलता है कि मोदी जी आएगा, नहीं आएगा मोदी जी का, सब बच्चे कह रहे हैं कि पंजा आएगा मोदी नहीं आएगा। तो मोदी जी ने 10 साल में काम कुछ भी नहीं किया है? नहीं कुछ नहीं किया, खाली हिंदू मुसलमान में दरार लगा के दुश्मनी, उज्ज्वला गैस योजना में उन्होंने गैस दिया है, कुछ नहीं किया है, वो 5 किलो राशन नहीं दिए, कुछ नहीं। मोदी राशन दे के क्या कर रहा है? राशन इधर से दे रहा है, इधर से गर्दन काट रहा है, इधर से खून चूस रहा है, वो राशन का ना काम के, वो तो उतना बराबर ही रहेगा तो हम लोग राशन किन के खा लेंगे। जो मोदी बूढ़ी माँ को अपने साथ नहीं रख पाया, उसको जो है कंधा नहीं दिया,
उसको दो रोटी नहीं दे सका, वो देश की जनता को क्या प्यार करेगा? तो देश की सेवा, नहीं देश की सेवा के लिए उन्होंने छोड़ा है ना परिवार को, कह तो रहे हैं। देश की सेवा कितनी करी है कोरोना काल में देख ली भैया, हम उनपे जो है एक दवाई की टिकिया पैदा नहीं हुई। ये सब लोग खड़े हैं बता दें जो है किसी को एक टिकिया मिल गई हो। जो मोदी जो है आप मान लीजिए ये कहता है खुलेआम कि मैं आपदा में अवसर ढूंढता हूँ, उसके लिए आप कह रहे हो वो देश की सेवा कर रहा है, वो देश की सेवा नहीं कर रहा, वो अपने और अपने दोस्तों की सेवा कर रहा है, वो देश के लोगों की सेवा नहीं कर रहा, देश के लोगों से पैसा ले रहा है और अपने यारों की जेब में डाल रहा है। आप देखिए कोरोना टाइम पे सब कुछ बंद था और उनके मित्र की संपत्ति दस गुनी हो जा रही है। जो दो देश के 200 उद्योगपतियों में जिसका कहीं नाम नहीं था, आज वो देश का सबसे बड़ा पैसे वाला बन गया। तो गलतफहमी के शिकार हैं आप, मोदी केवल और केवल जो आंकड़ा वो बताते हैं जो केवल अपने दोस्त की सेवा कर रहा है। एयरपोर्ट ले लो, पानी के जहाज यहाँ रुकते हैं, क्या कहें, बंदरगाह ले लो, रेलवे लाइन दे दो, क्या क्या तो दे दिया उसने दोस्त को, जो और क्या क्या रह गया जो दिलवाना चाह रहे हो आप ऐसी वो तो कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर लाए हैं और 80 करोड़ जनता को हमने राशन दिया है, तो हमारे देश फंस गए आप, फंस गए। 80 करोड़ लोग आज 5 किलो राशन पे जिंदा है। खाने के लिए मोदी काम किया है, इधर देता है और उधर से वसूल लेता है। आज तक ले किसी ने किया है बंटवारा हिंदू मुस्लिम में? वो तो हिंदू मुस्लिम में बंटवारा भी लगा दिया है। मोदी जी ने 2 दिन पहले मंच से कहा कि हम अपने जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए हैं, कभी नहीं किए हैं। गलत बात है, आज तक ले उसने क्या किया है, सिर्फ देखावटी जो किया है वही करे। तब से यही कहानी बना दिया है, हिंदू मुस्लिम नफरत दरारे, कोई भी घटना होता है मुसलमान किया हिंदू नहीं किया है, बाद में कहता है तो हिंदू और मुस्लिम के दोनों में एक में सिंह लड़ा देता है। 2 दिन पहले बोले हैं, 2 दिन पहले कि हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए हैं, ये मोदी के जिंदगी में कभी नहीं किए हैं। मोदी जीतने के लिए वो दिखावटी दिखा रहा है अपना, अंदर से कुछ और है ऊपर से कुछ और है वो। अच्छा, वही मोदी जी अभी तो बोले थे कि मेरे घर के बगल में मुसलमानों का घर है, ईद पे वो मुझे सेवइयां बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं, ये सारी बात बोल दी। फिर मंच पे जाके कहते हैं कि भैया सारा का सारा जो सिस्टम है वो एक समुदाय जो है वो लेके चला जाएगा। तो इतनी जनता है पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत तो है, कांग्रेस के जो स्कूल बने थे ना, जो उन्होंने स्कूल बनाए थे, शौचालय नहीं स्कूल बनाए थे, उसमें काफी लोग शिक्षित हैं और उन्हें बातें समझ आती हैं। जो थोड़ी बहुत अंध भक्ति में है, जो थोड़ी गोबर भक्ति में है ना मोदी भक्ति में, वो सिर्फ 28% लोग, 25% लोग जो भाजपा को भी वोट दे रहे हैं ना, वो ये ना समझे कि यही सारा सिस्टम है। 70% लोग मोदी जी से नाराज हैं, भाजपा से नाराज हैं, और इस बार सब एक साथ आ गए हैं और झोला पैक होने वाला है। और खटाखट यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना राहुल गांधी कि भैया खटाखट पैसा भेजेगा, महिला हो या युवा हो सबको यहाँ पे सम्मान मिलने वाला है, रोजगार नौकरी मिलने वाली है, और ये सत्य है। पूछिए जी। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे टाइम में जो है देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 4th नंबर पे पहुंच चुकी है। हमने जो है 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। अरे वो ये भी तो बताएं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो भी ऐसा राशन दे रहे हैं, गर्मी में बाजरा दे रहे हैं, बाजरा यहाँ जानवर नहीं खाता गर्मी में, और वो राशन देने का काम कर रहे हैं। तो आप ये बताएं, आपने 25 करोड़ लोगों को अमीर बनाया, क्या बनाया है? अभी उनके एक नेता ये बोल रहे थे कि हम देश के अंदर मोदी जी की सरकार फिर से बनाओ, हम देश के अंदर गरीबों को नहीं रहने देंगे। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं रहने देंगे, सिर्फ अमीर रहेंगे, जैसे कोरोना काल में धीमे धीमे करके डाउन कराना लोगों को, वैसे यहाँ से फिर गरीबों को इसी तरीके से गंगा के अंदर बहाया जाएगा। वो समझा रहे हैं कि भाई, वो बता रहे हैं, चेता रहे हैं, 400 पार मतलब पेट्रोल, 400 पार मतलब महंगाई होने वाली है, 400 पार का जो नारा है। और ये भी सबसे बड़ी बात ये है, 370 सीटों पर भाजपा लड़ रही है और बोल रही है 400 पार। जो उनका एनडीए का गठबंधन है 38 दलों का, उस सबको मिला के तो मान के चलो वो 500 की जो भी सीटें हैं उन पे लड़ रही है, खुद 370 पे जो लड़ने वाली है वो 400 कैसे ले आएगी, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा। और जनता को ये नहीं मालूम कि वो खुद 370 सीटों पे लड़ रहे हैं, 400 लाख कहाँ से देंगे।
अच्छा, उनका कहना ये भी है कि हमारे टाइम में जो है हमने कश्मीर में 370 खत्म किया तो शांति हो गई है, हमने राम मंदिर भी बनवाया जो इतना बड़ा मुद्दा था। कश्मीरी लोगों से पूछा या राम मंदिर के पीछे इतनी सारी यहाँ पे सारे के सारे घर ध्वस्त कर दिए गए, इतने मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, अयोध्या जाके आप रिपोर्टिंग करिए कितने लोग बेघर हो गए वो भी जाके समझिए, और वहाँ जो दुकानें अलॉट हुई हैं कितने पूंजीपतियों को हुई है, जो होटल बने हैं वो कितने गरीब लोगों ने बनाए हैं, जो वहाँ पे आप बिजनेस करेंगे कितने अडानी अंबानी के होटल हैं, कितने टाटा बिरलाओं के होटल हैं, आप वो जाके नोटिस करिए। सारा का सारा जो काम है वो अमीरों को बढ़ाने के लिए, जो इनके दोस्त हैं अंबानी लो अडानी लो या फिर जो भी 22-23 पूंजीपति जो इनके जो बढ़ते ही जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं का विकास हो रहा है। आप बताइए, जनता को 5 किलो राशन दीजिए, 5 किलो राशन में कैसे काम चल जाएगा? आप अब बताइए, कांग्रेस करिए हम 10 किलो राशन देंगे। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, आप उसकी भी तो बात अभी तो आप लोग विरोध कर रहे हैं कि 5 किलो राशन देके गरीब बना रहे हैं तो 10 किलो राशन देके क्या अमीर बनाएंगे? बात भी तो नहीं सुन रहे आप, पूरी बात पूछाइए। कांग्रेस तो ये भी कह रही है हम 1 लाख नई भर्ती लेके आएंगे, जो नया युवा है उसको स्टाइफन के तौर पर 8,000 रुपए भी देंगे, बातें तो वो भी चल रही है ना। तो आप ऐसे थोड़े ना कि 5 किलो राशन दे दिए सारा, और कांग्रेस के राज में भी राशन मिलता था और वहाँ पे 2-3 रुपए चार्ज किए जाते थे ताकि किसी को भीख ना लगे। इन्होंने तो बता दिया कि देखो तुम भिखारी हो, 5 किलो में खुश रहो, गर्मी में बाजरा खाओ। एक सवाल और है कि भाजपा के जो समर्थक जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है अमेठी से वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली आए हैं, अब रायबरेली से इटली चले जाएंगे। अरे यार, यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों जाएंगे वो इटली? वो बंदा एक कोने से यहाँ 4,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की यहाँ पे उसने यात्रा करी है। आप क्या समझ रहे हो, आप अपने थोड़े 2-2 रुपए वाले जो ट्वीट वाले जो बंदे होते हैं उनके थ्रू, जो 2-2 रुपए ट्वीट वाले जो बंदे हैं उनके थ्रू किसी की छवि बिगड़वा देते हो और खुद अपनी जुबान पे लगाम नहीं रख पाते। मोदी जी की भाषा शैली आप खुद देखिए, गोदी मीडिया को बिठा लेते हैं और बोलते हैं ये और ये और वो, मतलब पब्लिक इतनी पागल नहीं है, गोदी मीडिया के दम पे जितनी टीआरपी बटोरनी है बटोर लो, लेकिन ये जो आम जनता है ना इस बार वो चुनाव लड़ रही है और इस बार झोला पैक होगा। चलिए ठीक है, हम आपसे फिर से बात करते हैं। चाची आप बताओ, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, कुछ अच्छा किए हैं कि नहीं किए? नहीं किए हैं। कुछ भी अच्छा नहीं किए? कुछ नहीं किए, हम लोग से कुछ नहीं किए, अच्छा कुछ नहीं किए। आज मोदी जी को टिकट लेना है तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर टिकट नहीं लेता तो मोदी कुछ नहीं कहता, खाली अपना कराने के लिए कह रहा, करने के लिए नहीं कह रहा। अरे वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है ना बहुत काम किए हैं जीतने के लिए, पांजा कुछ नहीं करे मगर खुदा के ईश्वर के नाम से वो जीत जाएगा, हम लोग खातिर खुशी है। कांग्रेस जीत जाएगा? हाँ, मतलब हम लोग खुशी है। वो लोग बोल रहे हैं कि इस बार दिल्ली में 7 सीट पे फिर हम लोग आएंगे। नहीं आएंगे, मोदी नहीं आएंगे। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है हमेशा महिला का सम्मान किए हैं और हमारे टाइम में जो है उज्ज्वला गैस योजना दी है, गैस सिलेंडर दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए ना, कोई फर्क नहीं। कितने लोगों ने गैस सिलेंडर दिए हैं मोदी ने? कहीं हम कितने करोड़ देंगे, कम से कम मेरे ख्याल 50 आदमी को सिलेंडर कुछ नहीं मिला। अच्छा अच्छा, कितना पैसा मिला है आने के लिए? जो हम लोग को नहीं मिला, हम लोग पैसा लेके नहीं आए हैं। मोदी जैसे बिकने वाले लोग नहीं है, हम अपने ताकत से चलते हैं, अपने ताकत से लड़ाई लड़ते हैं खुद को। नहीं तो मतलब पैसा नहीं मिला आप लोग आने के लिए? नहीं, हम लोग पैसा नहीं लेके चलते हैं, पैसा लेके नहीं चलते हैं। इतना यहाँ से जब चले जाएंगे तब मिलेगा? नहीं, हम लोग को नहीं मिलेगा पैसा, पैसा ही आया है पैसा के। हम लोग राहुल जी के प्यार में आए हैं, सारी मेरी बहनें निस्वार्थ हम लोग काम करते हैं, हमारी टीम निस्वार्थ काम, जहाँ भी कोई रैली होती है हम लोग सब पहुँचते हैं वहाँ पे। पति बना दिया राहुल जी ने, बोलो ना। हमें तो लखपति बनाया उन्होंने, देखो अभी तो वादा कर रहे हैं ना, वादा तो पूरा करेंगे सरकार हमारी। अगर वादा बना दिया, मन में वादा बना दिया तो दिल में भी बना दिया, खुदा के दरवाजा पर अगर खड़ा होके कह दिया कि मेरा मुसलमान खुदा है, मेरा हिंदू खुदा है, तो वो बहुत दौलत है, बहुत बड़ी। मोदी से कहा आप खिसियाए हुए, 10 साल में कुछ नहीं किए? मोदी कुछ नहीं किए, खिलाफ है कि आज तक ले ऐसा भी नहीं चाहिए। सुनो, आज तक ले हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं हुआ था, अब वो करा रहे हैं, इसलिए हम लोग खिलाफ। तो वो बोल रहे हैं कि हमको मुस्लिम भी बहुत प्यार करता है, वो तो बोल रहे हैं कि मुस्लिम महिला मुस्लिम भाई सब प्यार करता है। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं? नहीं, कुछ नहीं किया। वो जो 3 तलाक पे जो कानून खत्म किए हैं, ठीक है, राम मंदिर बनाए हैं, तो वो तो बोल रहे हैं कि हम देश में बहुत काम किए हैं। राम मंदिर कहाँ बनाया है? मस्जिद तोड़ करके मंदिर और मस्जिद में लड़ा।
दोनों बराबर था, पहले बराबर था, अब जाति में ये विरोध। राहुल गांधी चुनाव खत्म होता है लंदन भाग जाते हैं। कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा थकावट उतारने के लिए तो हर कोई का मन करता, वो भी इंसान है, अगर थोड़ा बहुत घूम ही आते हैं तो क्या हो जाता, हम लोग भी घर में रह के थोड़ा सा दिमाग से डिस्टर्ब, हम भी चाहते हैं अपनी मम्मी के घर जाएं, थोड़ा हम भी आराम करें, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या बात है, कारण क्या है, क्यों नहीं लड़े, स्मृति ईरानी से डर गए, किससे डर गए? राहुल मेरा भाई किसी से नहीं डरता, ठीक है, जहाँ उनकी इच्छा वहाँ से लड़े, कांग्रेस जहाँ से भी वो कहेंगे कांग्रेस वहाँ से पूरे बहुमत से आए। लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार, इंडिया गठबंधन या मोदी जी? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन 80 में से 80 यूपी में से पूरी की पूरी आ रही है, 80 में 80 यूपी में पूरा आ रहा है, पूरा का पूरा। तो मतलब मोदी जी भी बनारस में चुनाव हार रहे हैं? बनारस से चुनाव बिल्कुल ऐसे नहीं, बुरी तरह हार के जाएंगे, अपना पल्ला ऐसे झाड़ेंगे ना, उनको शायद की बात इंडिया क्या बाहर ही जाना पड़ेगा, जैसे और सब भागे वैसे मोदी जी यहाँ से भागेंगे। हम ये सोच रहे हैं, आपने कहा कि 80 में से 80 मतलब मोदी जी जो बनारस में भी चुनाव हार जाएंगे, वहाँ से भी बिल्कुल, क्योंकि मैं इटावा से हूँ तो हमें पता है यूपी का जहाँ तक बिहार से भी हार रहे, बिहार से भी हार रहा हो, बिहार में 40 सीटें, कितनी सीटें लाएंगे भाजपा वाले? मोदी जी के कितना 15 साल हो गया ना, जो 10 साल हो गया उनका, 10 साल हो गया, 10 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन 17 महीने में तेजी से 1700 नौकरी दे दिया वहाँ पर। इस बार जो मोदी जी भी बिहार से गया है, तो पिछली बार तो भाई उन्होंने 39 सीट लाए थे भाजपा, और पिछले 10 साल से मान लीजिए पब्लिक में बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी बात करते हैं, 10 साल में क्या किया, खाली हवा हवाई में बात किया, वो हवा हवाई कहाँ किए, राशन दे रहे हैं 5 किलो राशन में क्या अपडेट, एक मिनट राशन आपका किसी का गुजारा हो रहा क्या, आपको 5 किलो राशन देने पे आपका घर चल रहा है क्या, आप मेरे को बताओ, कुछ होता है आजकल 5 किलो राशन में, हमें बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए, मेन प्रॉब्लम। अब तुम गिना देते हो कि हाँ कोई भी रोजगारी की बात करो तो सीधे क्या आता, घूम फिर के मैंने राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवाई, 370 क्या हटवाई तुम्हें पता है, तुम्हें पता है ए हटवाई की बी हटवाई कौन सी पता है, आप बताओ कौन सी हटवाई है, 370 नहीं हटवाई है, नहीं हटवाई है, बी हटी है, बी में जैसे कि ए में 100 बीघा है, बी में 10 बीघा है, तो वो भी 10 बीघा आपने सीधे, फिर भी इतना विवादास्पद कानून था, सब लोग कह रहे थे, तो अडानी अम्बानी को दिया है ना, क्या हम लोग लोकल पब्लिक ले सकी है, वहाँ पे कोई जगह आपने प्लॉट खरीदा हो, किसी पब्लिक ने खरीदा हो वो बताओ। तो मतलब लेकिन बोल रहे हैं ना कि कश्मीर में शांति होगी, पहले बहुत पत्थर पड़ते थे, ये था वो था बहुत सारा, मतलब उनके भाजपा के समर्थक, भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के समर्थक उन्हें एक समझाना बेवकूफी, उन्हें कभी कुछ नहीं कर सकते, वो कभी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो अंधे भक्त है। अरे सर, यहाँ तक कि कफन तक में भी GST लगा दिया, वो दूध की थैली में कफन GST लगा दिया। अच्छा, टैक्स नहीं अगर लेंगे तो सरकार चलेगी कैसे, तो GST इतना थोड़ी लगता, 18% GST लगता, ये 18% GST लगा रखा है, आज दूध जहाँ 20 रुपये में लीटर तो वो करा तो वो है कितना, लगभग 35 रुपये में हाफ लीटर आ रहा, 70 रुपये लीटर आ रहा है, सिलेंडर का क्या भाव है अभी वो तो। अच्छा, एक बात वो और कह रहे हैं कि हमारे टाइम में ना पूरे विश्व में जो है, आप सुने होंगे, कई बार सुने होंगे कि पूरा डंका बज रहा है, डंका चारों तरफ बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ वहाँ सब जगह डंका बज रहा है। आपको इतना पता है कि अदर स्टेटों में उनके पास मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर, 2 स्टेट ऐसी है मतलब आपका देश में जो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं मोदी जी के खुद, ठीक है, और यहाँ तक कि उन्हें माला पहनाया गया, उनका पुतला बनाकर जो नचाया जा रहा है उनको आप देख रहे हो। तो चुनाव में तो ये सब चलता है ना कि भाई हर पार्टी के लोग अपने नेता को माला पहनाते हैं, राहुल गांधी को पहना रहे हैं, ममता बनर्जी को पहना रहे हैं, तेजस्वी तो उनके समर्थक जो उनको ही पहना रहे हैं। बिल्कुल वो बात ठीक है, हम लोगों का मेन रिक्वेस्ट यही है, ठीक है तुम सब कुछ कर रहे हो सब अच्छा है, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं दे रहे? रोजगार में आप बताओ कौन सी भर्ती कहाँ पे निकाल दी, अग्निवीर योजना लाए नहीं? अग्निवीर 4 साल में कौन जाएगा, अपनी मौत मारने जाएगा क्या, 4 साल में क्या बंदा करेगा, साला लग गया लुढ़क गया वहाँ से क्या मिलेगा, 4 साल में क्या किसी का घर चलता है, उसके बाद वो शायद 22 लाख रुपया समथिंग दे रहे हैं। 22 लाख से क्या होता, आम नॉर्मल सा इंसान 22 लाख का एक बार बताओ आपका बेट वो देखिए, सरकारी नौकरी तो सबको मिलेगी नहीं,
तो वो बोलते हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, पैसा दे रहे हैं कि भाई अपना मुद्रा योजना से, तो बहुत सारी योजनाओं को नाम बताते हैं। सरकार के पास जाइए तो बोलते हैं कि हमने इतना काम किया, तो वो तो बता रहे हैं लगातार। कौन सा मेरे को एक भी आप काम गिना दीजिएगा मोदी सरकार में जो कि हाँ बेटर हुआ, यूपी बिहार पंजाब कहीं पे भी आप मेरे को, दिल्ली आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड योजना आपने हेल्थ का सुना होगा, कितने लोगों ने उन्होंने लाभ लिया है, जाते हो धक्के खाते हैं। तो कोई बीमार नहीं पड़ा तो कोई लाभ नहीं लिया, बीमार नहीं पड़ा ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, धक्के खाते हैं। हमारे यहाँ तक कि दिल्ली में ESI कार्ड भी है, हमारे साथ का एक लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे 3 महीने दौड़ते दौड़ते हो गए, ESI में तक की नहीं है, वहां से बाहर से 40,000 रुपए दे के बाहर से करवा रहे ऑपरेशन। आप इतना गुस्सा क्यों, खफा क्यों है, आपको मतलब क्या कारण है बताइए मोदी जी से? सीधे ये देख रहे हो ना, ये क्या है यहाँ पे इधर से उधर। इस बात को तो मानते हैं कि सरकारी नौकरी तो कोई भी सरकार सबको नहीं दे सकती है, तो मतलब कोई ना कोई स्किल तो सीखना पड़ेगा। स्किल के लिए तो ये है, इंडस्ट्रियल कई चीजें हैं, जैसे कि हम ठीक है कहीं पे भी नहीं आ पा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल ऐसे लगाओ ताकि हम लोग रोजगार कर सकें, उसमें जा सकें, ऐसी कोई चीज। राहुल गांधी ने अप्रेंटिस योजना की घोषणा की है कि 30 लाख लोगों को हम देंगे रोजगार भी देंगे, उन्होंने सीधे किसान का कर्ज माफ, जैसे कि हम लोग यूपी से हैं तो हमारा थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो भाई उन्होंने मोदी जी ने किया क्या है, सब बड़े बड़े लोगों का सीधा कर्ज माफ कर, बड़े लोगों की सरकार है वो, बड़े लोगों की सरकार बिल्कुल नहीं है वो, तो आप मेरे को बताओ कितना है बताइए, आप ये बता दो किस पार्टी से हो। हम तो देखिए जो भी जनता बोले ऐसे कैसे मीडिया, आप तुम न्यूज चैनल कोई सा भी उठा के देख लो, अभी यहाँ पे लाइव है, 5 मिनट लाइव दिखाया जाएगा, अदरवाइज लो फटाक से मोदी वाई क्यों। यहाँ पे अभी आगे पीछे अशोक विहार में तुम देखो हर जगह मोदी के पोस्टर लगे रहेंगे, झंडे लगे रहेंगे, अदर पार्टी का कैंडिडेट अगर लगाता है ना वो मिनटों में उतर जाते हैं, क्यों तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही सरकार है, सीधे तानाशाही है सर, क्या तानाशाही सरकार सच में। अच्छा आप बताइए, आप बिहार से, बिहार में कहाँ से हैं आप? मैं क्या कहता है, बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट है मेरा, अररिया डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर तो भाई पिछली बार भी जो है विधानसभा में भी जो है क्या कहते हैं, ठीक है तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा सीट जीती थी, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनी थी, और पिछले 2 बार से लगातार बन रही है मोदी की सरकार, इस बार वो कह रहे हैं कि 3री बार हम फिर से बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे। नहीं आएगा, क्यों नहीं बनाएंगे, क्या कारण क्या है? कुछ भी नहीं किया क्या वो, कुछ तो बिहार के अंदर कुछ भी ये काम तो दिखा दे कि मैं ये फलना काम किया हूँ। नीतीश जी वहाँ उनके साथ, वो नीतीश जी तो पलडू राम है वो, वो बेकार की बात करता है, बेकार की बात करते बात करते करते वो भाग जाता है, बोलना है कुछ बोलता है कुछ और है वो। अच्छा एक बात बताइए, 10 साल हो गया है मोदी जी का कोई भी काम अच्छा नहीं लगा, ईमानदारी से? मेरे को तो कोई काम अच्छा नहीं लगा है, सीधी सी बात यह है उन्होंने सिर्फ देश को ऐसा कर दिया है ना, इस कदार पे कर दिया कि हाँ इंसान रोड पे आ गए, गरीब इंसान एक नॉर्मल वो रोड पे ही आ रहा है। महंगाई बहुत है आपके, महंगाई ठीक है मानता हूँ कि तुमने महंगाई है ठीक है समझ, इंसान कर सकता है, बट इतना भी नहीं, हर चीज़ पे टैक्स, वो टैक्स कहाँ से देगी? अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया, NBFC बैंक है, अब उसमें ठीक है हमने कर्ज सोना रख के कर्ज लिया तो उसमें 20,000 की लिमिट कर दिया, अब उसमें भी हमें अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट में आएगा तो हम टैक्स देंगे, भाई 20,000 का इंसान लेन देन क्या करेगा, 20,000 में क्या आता है? टैक्स लेने वाली सरकार बन गई, टैक्स खाली सिर्फ लेना चाहती है, खाती है और कुछ नहीं, उसका मेन मोटिवेट है सरकार ऐसा कर दूँ अंग्रेजों जैसा कर दूँ कि हाँ गुलाम बन जाए मेरे। अच्छा एक अभी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था 2 दिन पहले, कहा है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, और कभी अगर ऐसा करूंगा तो मैं पब्लिक लाइफ नहीं जीऊंगा, सार्वजनिक जीवन नहीं जीऊंगा, इस लाइन पे आप क्या कहेंगे उनके? हम ये कहेंगे क्या आप ठीक है मानता हूँ हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, आप मेरे को सिर्फ एक आंसर दे दीजिएगा ठीक है, एक मुस्लिम का लड़का वो भी पैदा होते ही मिस्त्रीगिरी या नाई कुछ भी XYZ कुछ भी काम करने लगता, क्या हिंदू का लड़का क्यों नहीं करता भाई? तो देश में महंगाई है आप ये कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आमदनी लगातार बढ़ी है पिछले 10 सालों में। आमदनी अगर बढ़ी है तो 80 करोड़ लोगों को राशन तो नहीं देना चाहिए, अब 80 करोड़ में से ये मान के चलो हर घर में एक बंदा तो होगा जो अच्छा खासा कमाता होगा,
कांग्रेस के टाइम में भी हमने देखे थे भैया, हम पांच बंदे हैं घर में, पांच फैमिली में है, पापा कमा रहे हैं, सब ऐशो आराम से खा रहे हैं। अब हम बड़े हो गए, चार बंदे हैं, चारों के चारों कमा रहे हैं, लेकिन ऐश किसी की नहीं है, चारों कमा रहे हैं 10,000-15,000, इससे ज़्यादा कुछ वक़्त नहीं बन पा रही है। तो आप ये समझिए, अगर सब कुछ बढ़िया है तो आप राशन क्यों बांट रहे हैं? सब कुछ बढ़िया है तो ये MBA, BTech, ये सब चाय वाले जो घूम रहे हैं, मुझे देख के बड़ा दर्द होता है कि आप BTech कर रहे हो, MBA कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और चाय 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 प्रोडक्शन पता नहीं क्यों लगाए पड़ रहे हो। आप चाय वाले को प्रमोट कर रहे हो, अच्छी बात है, जो शिक्षा नहीं ले पाया है, जो शिक्षा नहीं ले पाया है वो अगर चाय की ठेली लगाए, सारे काम करे तो अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई कहेगा कि यार ये वाली इसके लिए नहीं करना चाहिए, ये वाली इसके लिए नहीं करना चाहिए, तो सबसे 80 करोड़ अगर यहाँ पे 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, तो आप पहले हिंदुओं की सोचो, मुसलमानों की तो बात ही मत करो। सर, देश में चुनाव चल रहे हैं, चार चरणों का मतदान हो चुका है, पांचवें चरण का 20 मई को होने वाला है, दिल्ली में 7 सीटों पर है, और फिर से भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इस बार भी 7 की 7 सीट हम जीत रहे हैं। ये बात तो देखो जनता बेहतर बता रही है, जनता से आप बात करो तो वो बिल्कुल साफ उन्होंने बता दिया है कि इस बार वो लोग BJP को किसी भी तरीके से कबूलने के मूड में नहीं है। क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र देख लो आप, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख लो, इसके अलावा आप देख लो महंगाई, तो ये जो तीन मूलभूत चीज़ें हैं इस पे BJP का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बिल्कुल शून्य है। और दिल्ली की जनता तो इतनी समझदार है, दो बार प्रधानमंत्री जी को मौका दिया और दोनों बार प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को मायूस किया। विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे दिल्ली को, क्या हुआ उस पर भी कोई बात नहीं कर रहे। दिल्ली में नौकरियां देने की बात हो रही थी, पिछले 10 साल में कहीं नौकरियां नहीं दी गई। दिल्ली में बेरोजगारी इस कदर है, अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें, पूरे देश की बात ना करें, तो बेरोजगारी इस कदर है उस बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। और प्रधानमंत्री जी की फितरत की बात करें तो वो फितरत भी अब जनता समझ गई है, अब प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अपने बयान की, वक्तव्य की जो है एक ऑथेंटिसिटी रहा करती थी, अब खुद मोदी जी को नहीं मालूम है कि उन्हें कब क्या बोलना है, कभी भी वो कुछ बोल देते हैं। आपने भी देखा होगा कल गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स को वो इंटरव्यू दे रहे थे और एक एंकर ने सवाल किया कि साहब गरीबी और जो अमीरी इसके बीच में डिफरेंस हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो प्रधानमंत्री जी का जो बयान था वो आप देखो कितना गैर जिम्मेदाराना, कि क्या सबको बराबर कर दें। आप उससे उनकी मंशा का अंदाजा लगाइए कि वो गरीबी और अमीरी बढ़ाना चाह रहे हैं, वो बराबर करना नहीं चाह रहे, वो मध्यम वर्ग को ख़त्म करना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो अमीर है वो और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए और मध्यम वर्ग ख़त्म हो जाए। संविधान बनाया किसने? कांग्रेस ने, तो बचाएगा कौन? कांग्रेस। 1975 में क्या हुआ था? BJP ने तो संविधान नहीं, आपातकाल किसने लगाया था? नहीं, आपातकाल लगाया तो उसके बाद इंदिरा जी की सरकार भी गिरी, और देश की महान जनता है, जो गड़बड़ करेगा तुरंत उसकी चाबी भी भर देगी। भाई इंदिरा जी से अगर उस समय कुछ गलतियां हुई तो उनकी उनको सजा भी मिली, इंदिरा जी जेल भी रही, लेकिन फिर वही देश की महान जनता है जिसने इंदिरा जी को भारी बहुमत से जिता के फिर प्रधानमंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री जी जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, इनको 10 साल का मौका दिया गया, 10 साल में आप हमें एक बात बता दीजिए कि जो दलित है, शोषित है, वंचित है, OBC है, इस वर्ग को इन्होंने कितनी नौकरियां दे दी। आप बात कर लो शिक्षा की, हायर एजुकेशन की, 95% जो पद है SC ST OBC के खाली है। हम बात करें जुडिशरी की तो यहाँ भी 90% से ज्यादा SC ST OBC के पद खाली है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जब पहले चुनाव हो रहे थे 90 के दशक में पहले जो है, तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, जात पात की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करवाएंगे कि किस स्टेट में कितना है और उसके हिसाब से हम बजट बनवाएंगे। तो भाजपा के लोगों का कहना है कि देश में जात पात का माहौल बढ़ा रहे हैं, ये कास्ट की लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। देखिए साहब, 90 से पहले के हालात कुछ और थे, 90 के बाद मंडल कमीशन लागू हुआ, उससे पहले तो पिछड़ों को आरक्षण भी नहीं मिल रहा था। अब जो जातिगत जनगणना कराने के पीछे मंशा है, वो मंशा समझिए आप, मुख्य मंशा ये है कि जो आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई है
उसका लाभ किसे मिल रहा है और किसे नहीं मिल रहा है। कई सवर्ण भी ऐसे हैं जिनको मुख्य धारा में जो EWS आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो मुख्य वजह ये है जातिगत जनगणना कराने की। बाकी प्रधानमंत्री जी जो हैं ये कहें कि जाति नहीं है देश में, तो ये बिल्कुल गलत बयान है सरासर, क्योंकि हमारे देश से जातीय व्यवस्था कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग आपस में मिलते भी हैं ना, तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि कौन जात हो भाई। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की। सर मोदी जी ने कहा है कि हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, आप क्या कहेंगे? ओहो, उनकी तो नींव भी वहीं से पड़ी है, याद कर लो गुजरात के दंगे जो है, क्या क्या किया था उन्होंने जो है। आप ये मान लीजिए हिंदू मुस्लिम करके ये आए थे देश के लोगों ने, अब ये मन बना लिया है, अब कहीं हिंदू मुस्लिम इनका चलने वाला नहीं है। ये अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।